अगर आप भी ये चाह रहे हो कि आपका स्किन एकदम ग्लास स्किन में बदल जाए कुछ इस तरीके का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ग्लास स्किन का मतलब होता है कि आपके स्किन में ना ही कोई एक्ने है, ना ही पिंपल्स, ना ही डार्क स्पॉट्स, ना ही कोई दाग धब्बे। आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और एकदम क्लियर है। आपके स्किन का कलर चाहे डार्क हो, ब्राउन हो या फिर व्हाइट हो, आप सबके लिए ग्लास स्किन अचीव करना पॉसिबल है। बस आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करना है और साइंस ये खुद कहता है कि आपके स्किन का जो ऊपरी लेयर है वो हर 28 दिन में बदलती है, यानी कि जो पुरानी लेयर होती है वो हट जाती है और उसके ऊपर एक न्यू लेयर आती है। यानी कि इस 28 दिन में अगर हम लोग अपने स्किन को ऊपरी और अंदर से दोनों से ट्रीटमेंट करें तो आपके लिए आपके स्किन को ग्लास स्किन बनाना पॉसिबल है। बस आपको इसके लिए केवल 28 दिन देना पड़ेगा। तो सारे स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो फिर ये आपकी स्किन में उल्टा प्रभाव डालेगा। तो देखिए, हम लोगों का जो स्किन है वो 3 लेयर में बटा होता है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस होती है ये हमारे स्किन की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो कि हमारे स्किन को यूवी रेस और बाहर की जो भी गंदगी होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। वहीं पे जो डर्मिस लेयर होती है वो हमारे स्किन के स्वेट ग्लैंड्स और जो ऑयल ग्लैंड्स होता है और इसके साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स होती है उसे कंट्रोल करती है। अंत में हाइपोडर्मिस लेयर, ये क्या करता है कि हमारे स्किन को आपस में जोड़ कर रखती है, जकड़ कर रखती है, इससे कि हमारा चेहरा एकदम प्लेन दिखता है और इसमें झुर्रियां नहीं आती है। ये जो हाइपोडर्मिस लेयर होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं कोलेजन। इसे आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये ऐसा होता है जो एक दूसरे को जकड़ के रखता है, हमारे स्किन को पकड़ के रखता है। ये हमारे स्किन का एक तरह का जड़ है जो कि हमारे स्किन को सही तरीके से रखता है। ये सबसे पहले हमें इसे ही मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी स्किन ग्लो करेगी नेचुरली। इसे करने का सबसे आसान तरीका है विटामिन सी और हाइड्रेशन। ये विटामिन सी और पानी के हेल्प से ही हमारे जो कोलेजन प्रोटीन्स बनते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि अगले 28 दिनों के लिए जैसे ही आप सुबह उठकर आपको फ्रेश हो जाना है और एक गिलास आपको भर के पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़कर उस पानी को पी जाना है। इसे करने के 7 दिन के अंदर ही आपके चेहरे पे एक अलग ही नेचुरल ग्लो दिखने लग जाएगी। ये हमारे सबसे नीचे के लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। इसमें हम लोग करने वाले हैं अपने स्किन के सबसे ऊपरी लेयर यानी कि एपिडर्मिस लेयर की सफाई, कि सबसे ज्यादा गंदगी इसी लेयर में जाकर जमा होती है। तो इसके लिए हम लोग एक रेमेडीज को तैयार करेंगे। ये तैयार करने के लिए आपको एक कटोरी में सबसे पहले 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा नींबू निचोड़ना है, आधा कटा हुआ टमाटर का रस, 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच चीनी का पाउडर। अगर आपके पास चीनी ना हो तो आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीजों को आपको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे आपको हल्के हाथों से अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे में इसे सूखने के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। वॉश में ही आप ये देखोगे कि आपके चेहरे के ऊपर जितनी भी गंदगी थी वो सब क्लीन हो चुकी है। टिप नंबर 3, देखिए, हम लोग अपने स्किन के ऊपरी लेयर को साफ कर लिया, अंदर के लेयर को स्ट्रांग बना लिया, लेकिन अगर आप इस स्टेप को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करोगे ना तो दोनों स्टेप्स बेकार चले जाएंगे। ये ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके स्किन के ऊपर हमेशा एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे होते हैं ना। इसलिए होता है क्योंकि आप अपने स्किन के ऊपरी लेयर को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते हो। इससे बाहरी गंदगी आपके रोम छिद्र से अंदर जाती है और जो स्वेट ग्लैंड्स, जो ऑयल ग्लैंड्स होता है उन सबको बंद कर देती है और बाद में वही फटकर पिंपल्स के रूप में बाहर आती है। इसके लिए आपको ऊपरी लेयर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सन के एक्सपोजर से भी बचा के रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। इसके लिए आपको कोई सा भी एक बढ़िया सा सनस्क्रीन ले लेना है। किट में बहुत तरह के सनस्क्रीन्स अवेलेबल है, आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे ले लीजिएगा, बस केमिकल वाला आपको यूज नहीं करना है। स्टेप नंबर 4, अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो और ये चौथे स्टेप को सिर्फ छोड़ देते हो ना तो आपका स्किन जैसा था वैसा ही हो जाएगा। आपके स्किन में एक्ने, पिंपल्स और ज्यादा होने लग जाएंगे। वो क्या चीज है कि आपको जितना हो सके तेल से बने चीजों का कम से कम सेवन करना है और गर्म तासीर वाले चीजों का कम से कम सेवन करना है। हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो हमारे स्किन के नीचे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा रिलीज करता है कि हमारे स्किन के ऊपर आकर
जमा हो जाती है और जो कि धूल कण को भी अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। और जब वो धूल कण हमारे स्किन में आकर चिपकती है तो वही कीटाणु के रूप में हमारे स्किन के नीचे चली जाती है धीरे धीरे। यही बाद में डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे के रूप में बाहर आती है। ये जितना हो सके गर्म तासीर वाली चीजों को कम से कम सेवन करें, मसाले वाली चीजों को कम से कम खाएं और जितना हो सके तेल से बनी चीजों का कम से कम सेवन करें। साथ ही साथ अपने भोजन में कम से कम 2 बार सलाद का सेवन जरूर करें। 5वां स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए जब आप गलत काम करते हो तो आपकी बॉडी से स्पर्म एजुकेट होती है और स्पर्म में भारी मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई होता है। विटामिन ई और सी की वजह से ही हमारा स्किन ग्लो करता है, हमारे कोलेजन स्ट्रांग बनते हैं। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, उसका स्किन धीरे धीरे अपने आप ही डल पड़ने लगता है, काला होने लग जाता है। साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एकदम पीक पर चली जाती है, जिससे आपके स्किन में एक अलग ही ग्लो आता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि कोलेजन के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आपके स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। 5 स्टेप्स को आने वाले 28 दिनों तक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ये आपके पूरे फेस को बदल कर रख देगी। आप में से कौन कौन इस चीज को करने वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाऊंगा। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।